जिन विवादों का विवादों को देख के जो सारी रिएक्शन आ रही है देश में, किसी भी देश को ये बिल्कुल घातक है कि जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस देश के पूरे अस्तित्व के बारे में चर्चा होती है, उनके नागरिकों के अस्तित्व के बारे में चर्चा होती है, ये इसके पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये नुपुर शर्मा का जो ये है कोई भी वक्तव्य है, ये केंद्र सरकार का काम बनता है कि इसके ऊपर नकल कसे और देश की जनता को न्याय दे, पर वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अपनी नाकामयाबी छुपानी है। 8 साल का सेलिब्रेशन आपने सुना होगा, हमने भी मुंबई में देखा, बहुत सारे होर्डिंग लगे थे, किस बात का सेलिब्रेशन है? आपने भी देखा होगा ज़िंदगी में, 1 साल पूरा होने के बाद सेलिब्रेशन होता है, 100 दिन पूरे होने के बाद सेलिब्रेशन होता है, 5 साल कंप्लीट होने के बाद सेलिब्रेशन होता है, ये 8 साल क्या है? ना मेरी समझ में आया, आपकी समझ में कुछ आया तो हमें भी समझाओ। मैं ये बताने जा रहा हूँ किस बात का सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों परिजनों के लाशें जो गंगा में आपने बहा दी और उसको जो जानवर खा रहे थे, क्या उसका सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं? इस देश में 13 करोड़ युवा लोगों की रोजी रोटी छीनी गई है ये पिछले 8 सालों में, आप उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं? इस देश में 370 दिन इस देश का अन्नदाता किसान सरहद पे खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री ने उनको आतंकवादी भी ठहराया, इनके नेता लोगों ने तरह तरह को उनको मारने की कोशिश की, गुंडे डाले उनके ऊपर, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, 700 लोगों की मृत्यु हुई किसानों की, इस बात का आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं? आपका मंत्री, उसका बेटा 6 किसानों को खुद के गाड़ी के तले कुचलता है, आप उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं? तो ये सेलिब्रेशन किस बात का है, ये मेरा सवाल है, आप भी पूछिएगा।